हमारे बीच में आपके सोनीपत लोकसभा के होने वाले सांसद हमारे बहुत ही आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, और मैं इनको एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि चारों तरफ एक ही रिपोर्ट है, चारों तरफ एक ही रिपोर्ट है कि सोनीपत की सीट कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। चारों तरफ ये रिपोर्ट, अब तो केवल ये देखना है कितना मार्जिन है, कितने बड़े बहुमत से यहाँ से आप जिताएंगे, कितना बड़ा आशीर्वाद आप देंगे। और ये सही है कि कह रहे थे रिकॉर्ड मतों से रोहतक की बता रहे थे, और कोई मेरे को कह रहा था रोहतक में आके कि जी आप थोड़ी मेहनत बढ़ाओ कि सतपाल जी ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं सोनीपत से। और मैंने कहा कि अगर थोड़ी ज़्यादा वोटों से जीत जाएंगे, भाई मेरे पिता रोहतक से हैं, मेरी मम्मी सोनीपत से हैं, तो भाई मेरे को तो खुशी होगी, मेरा क्या फ़र्क है। तो मैं बधाई देता हूँ एडवांस में। हमारे बीच में हमारे आदरणीय विधायक जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे विधायक संघर्षशील साथी आदरणीय सुभाष देशवाल जी, भाई इंदुराज भालू जी विधायक, भाई बलबीर वाल्मीकि जी विधायक, सभी सम्मानित मंच, बहुत से यहाँ पे बहुत वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि समय की सीमाएं हैं, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज एक बात तय है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में एक बात की चर्चा चली है कि हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए, पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है। और वो क्यों बना है वो आप जानते हो, भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार, ऊपर नीचे डबल इंजन, बीजेपी जेजेपी डबल इंजन, ये डबल इंजन कहते रहे 10 साल, पता चला कि इंजन ही इंजन रह गए, डब्बे तो पीछे रह गए। ये डबल इंजन की सरकार, ये कैसा डबल इंजन था कि हरियाणा को विकास की पटरी से उतार कर इस डबल इंजन ने बेरोजगारी की पटरी पर चढ़ा दिया। विकास में नंबर एक हरियाणा, आज बेरोजगारी में देश में नंबर एक, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, बेरोजगारी के चौराहे पे हरियाणा के नौजवान उखड़ा कर दिया, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई आज नशे में बढ़ोतरी होगी हरियाणा में, कोई विदेशों में, हरियाणा में अपने भविष्य को लेके इतने निराश हो गए, घर बार बेच के गिरवी रख के विदेश की तरफ अपने भविष्य को खोज रहे हैं। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अंधकार में करने वाली ये सरकार साबित हुई, इतना सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी इन्होंने, और कोई इंडस्ट्री लगाई नहीं हरियाणा में, 10 साल कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना हरियाणा में, ना इंडस्ट्री आई, ना सरकारी नौकरी, नौजवान करे तो करे क्या। आज बेरोजगारी में देश में नंबर एक हरियाणा, महंगाई की मार सबसे ज़्यादा हरियाणा में, दूध दही का खाना था ऐसा मेरा हरियाणा था, अब नशे में नंबर एक हरियाणा हो गया, ये स्थिति आ गई। आज ऐसी स्थिति आ गई, अपराध दर बढ़ रहा है एक तरफ, आज भी घटना घटी, आज भी सफीदों में आज भी गोलियां चलने की वारदात आई है, हर रोज हरियाणा में कहीं ना कहीं धनाधन गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपहरण डकैतियां करी जा हरियाणा के अंदर, कानून व्यवस्था चौपट हो, कानून व्यवस्था की नाम की चीज़ नहीं, फर्क एक है, पहले एक समय ऐसा था 2004 से पहले, तब भी इसी तरीके का जंगल राज था हरियाणा में, तब फिरौतियां मांगी जाती थी जेल से, अब फिरौतियां मांगी जा रही है जेलों से भी और विदेशों से, विदेशों के नंबर टेलीफोन आ रहे हैं व्यापारियों के पास। मगर मैं सारे बदमाशों से कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत कम समय है, हरियाणा बदलाव तय है, जिस दिन बदलाव होगा बदमाशों का सफाया होगा हरियाणा से, मैं कहना चाहता हूँ आप निकल लो। कह रहे हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार के राज बताएंगे, बताओ, दोनों मिलके लूट गए 5 साल, एक दूसरे की कह रहे हैं कि अब मैं तेरी जांच कराऊंगा, तो तेरी सरकार किसकी थी भाई, सरकार किसकी थी, वो तो दादा गौतम ने तभी बता दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में, एक लाए जी मन लग रहा है, वो तो तभी बता दिया था, तो और मगर किसकी नाक के नीचे हो रहा था। तो आज मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, विकास की पटरी से उतर गया, एक विकास की परियोजना नहीं, लेकिन सबसे दुख की बात, काम हम चला लेते कोई काम ना करते ये, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया, हर वर्ग को अपमानित करने वाली ये सरकार साबित हुई, हर वर्ग को,
कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया हो। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आज तक सहानुभूति की एक एक शब्द किसी बीजेपी के नेता ने क्यों नहीं बोला? अगर कोई भी किसी भी सरकार में कोई डीसी ऑफिस के आगे भी धरना किसी का चल रहा हो और कोई वहाँ पर बेहोश भी हो जाए तो शासन प्रशासन में हड़कंप मच जाया करते हैं। डीसी वहीं आ जाता है कि भाई क्या हुआ, यहाँ ये कौन लोग थे कि 750 घर उजड़ गए, लेकिन एक ने किसी ने ये नहीं कहा कि हम इनकी मांग नहीं मानते लेकिन हमें दुख है किसी का घर चला गया। आज सहानुभूति का एक शब्द नहीं कहा गया, किस जिद में नहीं कहा, किस अहंकार में नहीं कहा गया। किसान का अपमान, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए कि कर्मचारियों पे लाठी चार्ज, आशा वर्करों पे लाठी चार्ज, मनरेगा के मजदूरों पे, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पे, चौकीदारों पे, ग्रामीण चौकीदारों पे लाठी चार्ज। सरपंच जब अपने अधिकार मांगने गए, सरपंचों की भी तसल्ली बिठाई, सही है ना? कोई वर्ग नहीं, कौन सा वर्ग? और जब हमारी बेटियों ने अपने लिए न्याय मांगा, उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम, 5 महीने तक FIR दर्ज नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट ने जब तक नहीं कहा, और अब 3 दिन पहले दिल्ली के कोर्ट ने कह दिया कि जो आरोपी भाजपा के सांसद थे वो हर मौके पे गलत काम करते थे उन बेटियों के साथ। उन 5 बेटियों का क्या कसूर था? केवल भाजपा के अगर कोई अंदर सांसद हो या भाजपा कोई मंत्री हो, एक खट्टर सरकार के मंत्री, खेल मंत्री संदीप सिंह, उन्हीं के महकमे की एक कोच ने उन्हीं पे आरोप जब लगाया तो खट्टर साहब ने कहा कि संदीप सिंह मंत्री रहेंगे रहेंगे रहेंगे। इतना घमंड, खट्टर साहब आपके घमंड को तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे आपके घमंड को तोड़ेंगे। ये इतना घमंड, कितना अहंकार, कितना घमंड, ये ऐसी सरकार अनदेखी की लोगों की, लोग की अनदेखी की घमंड किया। इसीलिए पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसी नाराजगी बन गई, हर वर्ग में कुछ काम किया नहीं, केवल अहंकार। अब तो इतना अहंकार हो गया कि अब कह रहे हैं, 400 पार का नारा इसीलिए दिया कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ चेतावनी देकर, संविधान के तो नज़दीक, बाबा साहब के संविधान के तो आपको नज़दीक भी आने नहीं देंगे। कुछ तोड़ेंगे तो आपके घमंड को तोड़ेंगे, देश के लोग तोड़ेंगे, देश के लोग तोड़ेंगे। इतना घमंड, घमंड तो सारी उम्र किसी का नहीं चला, या चला किसी का घमंड? और इसीलिए नाराज़गी इतनी बन गई। और जब इतनी नाराज़गी बन गई तो जब युद्ध शुरू हुआ तो सेनापति बदल लिया। युद्ध शुरू हुआ, 10 साल जो सेनापति थे, युद्ध शुरू होते ही आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री की तो छुट्टी करके घर भेज दिया ना घर है। तो आप, मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, अब तो इलेक्शन चुनाव शुरू हो चुका है, अब आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो ये जनता है, जनता सरकार ही बदलेगी, आप क्या बदलोगे? हरियाणा का भट्टा आपने बिठा दिया, भट्टा बिठाने के बाद अब आप 10 साल तक भट्टा बिठा रहे थे हरियाणा के, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था, अब आपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लिया। और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, चेहरे तो बदल दिए, लोगों की नाराजगी नहीं बदल पाए। आज हर रोज भाजपा से खिसक खिसक के हर रोज बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा 4 दिन पहले भी तीन विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। अल्पमत में आ गई है ये सरकार, 48 विधायकों का समर्थन का पत्र इन्होंने राज्यपाल को दिया था, 48 में से 2 चुनाव लड़ रहे हैं, 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, 43 विधायकों के पे आ गई है सरकार। हमारी मांग है राष्ट्रपति शासन लागू करके निष्पक्षता से चुनाव कराया जाए, नहीं तो ये संवैधानिक सारे सीमाओं की को तार तार करने का ये काम कर रहे हैं। और ये 3 विधायक में से कौन कौन विधायक थे? 3 विधायकों में से एक नीलोखेड़ी से थे जो करनाल से हैं, एक पुंडरी से थे, आपको पता है जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में है, तीन विधायक में से तो 2 तो वहाँ से थे जहाँ से खट्टर साहब और नायब सिंह जी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो करनाल में क्या होने जा रहा है। मैं आपको खुशखबरी बता दूं, करनाल में भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, आज मैं करनाल से आया। तो ये 3 विधायक और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी चुनाव के बीच में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता विपक्ष, चुनाव इस तरह की बातें कह रहे हैं, चुनाव के बीच में नहीं ला सकते। चलो 5-4 दिन आप बच जाओगे, 4 की गिनती भी होगी, गिनती के बाद भी प्रदेश को दिख जाएगा कितने विधायक किस पाले में खड़े हैं, फिर कैसे सरकार चलाओगे? और मैं कहना चाहता हूँ, अभी आज करनाल में मैं गया,
करनाल में कई लोगों ने और ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी को काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे थे वहाँ, तो पत्रकार पूछ रहे थे कि ये जी और कौन कौन ज्वाइन करेगा। मैंने कहा हर रोज़ बताएंगे कौन कौन ज्वाइन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर इस सरकार के प्रति इतनी नाराज़गी, पूरे प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, कालका पिंजौर से नांगल चौधरी तक, होडल पलवल से डबवाली सिरसा तक एक ही आवाज़ आ रही है, बीजेपी की हरियाणा सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आपकी सरकार आ रही है और सरकार के आते ही हम कुछ काम करेंगे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करें। अपनी माताओं बहनों के लिए महालक्ष्मी योजना, देश की अकेली एकमात्र ऐसी योजना जिसमें हर घर में बड़े बुजुर्गों की पेंशन के अलावा एक माता बहन को 8,500 रुपये की पेंशन बनाने का हम काम करेंगे, जो घर का कामकाज चलाती हो। उसके साथ साथ दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली हम माफ़ करने का काम करेंगे ताकि महंगाई से राहत मिल सके। किसान को MSP की गारंटी, जिस पर लेकर आंदोलन हुआ, और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का लाभ करेंगे, और SC समाज के हमारे परिवारों के लिए और बैकवर्ड के और छत्तीस बिरादरी के BPL परिवारों के लिए 100-100 गज के प्लॉट की योजना हम दोबारा शुरू करेंगे। जो हमारे सरकार के समय 3,92,000 प्लॉट मिले थे, उसी योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। जिन परिवारों को नहीं मिल पाए थे उनको 100 गज के प्लॉट दिलवाएंगे, और जहाँ मिल गए थे, जिस भी परिवार को जहाँ पे घर बनाने की आवश्यकता है, इनमें 10 साल कोई घर आए नहीं, उस हर परिवार को जहाँ जिसकी घर की आवश्यकता है 3.5 लाख की ग्रांट दिलवा के इंदिरा आवास योजना के माध्यम से घर बनवाने का हम कार्य करेंगे। और नौजवानों के लिए 2 लाख सरकारी पद जो समाप्त कर दिए BJP ने, उन सरकारी पदों को दोबारा से पक्की भर्ती, समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पक्की भर्ती के 2 लाख रोजगार के अवसर दिलवा के नौजवानों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे, ताकि आज हरियाणा के नौजवानों में जो हताशा आई है वो हताशा दूर हो सके। तो देव, हम प्रदेश को कैसे आगे लेके जाएं, कांग्रेस पार्टी ये सारे कार्य करेगी। आपका आशीर्वाद हम मांगते हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी जी, एक ऐसे उम्मीदवार, मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कि कांग्रेस ने सोनीपत लोकसभा से सतपाल ब्रह्मचारी जी को यहाँ से उतारा है। एक ऐसे उम्मीदवार जिनकी पहचान ये नहीं है कि इनके पास कितनी धन संपत्ति है या कितना बड़ा कोई इनके परिवार में कोई राजनीतिक है, जिनकी पहचान केवल ये है कि इन्होंने जनसेवा के माध्यम से जो एक नाम अपना कमाया है, हरियाणा का जन जन ये जानता है। हरिद्वार जब भी आप लोग जाते हैं तो आपने इतनी जनता की सेवा करी है सतपाल ब्रह्मचारी जी, कि आपकी टिकट के बाद जितने कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सबको इतना आशीर्वाद मिला है, केवल आपको नहीं, सभी को आशीर्वाद मिला। एक आपने अपना नाम कमाया है अपने जीवन के एक जीवन की तपस्या से आपने अपनी जीवन में एक साख और एक पहचान हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, उत्तर भारत में आपने अपनी पहचान बनाई है। हमें गर्व है कि आप हरियाणा के एक छोटे से गांव से जाकर आपने वहां पर इतना बड़ा ये काम किया। हमें इस बात पे गर्व है और हमें इस बात की खुशी है कि यहां से आप उम्मीदवार के रूप में आप आए हैं। हमें बहुत बहुत खुशी है और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ भाई, आपको पता है कि हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव आपके आशीर्वाद के हिसाब से लड़ रहे हैं। BJP के पास इस चुनाव को लड़ने के लिए बहुत कुछ, बहुत चीज़ें, दो सरकारें हैं, दिल्ली में BJP की सरकार, चंडीगढ़ में BJP की सरकार, मीडिया भी BJP के पास, लगभग मीडिया BJP की जेब में है, सब तो नहीं लेकिन लगभग मीडिया भी BJP की जेब में है कि नहीं है, और चंदा इतना, पैसा इतना BJP के पास, छुट्टी का कोई, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। देश में शायद किसी पार्टी ने इतना धन अर्जित नहीं किया जितना इन लोगों ने किया। BJP ने तो नारा ही अपना दे दिया अलग से, और नारा ये दे दिया, जो देगा BJP को चंदा उसको देगी BJP धंधा, और जो नहीं देगा चंदा उसको मारेगी ED का डंडा। आपने देखा, दो मुख्यमंत्रियों को अंदर कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम इन्होंने किया। दो मुख्यमंत्रियों को
इन्होंने अंदर कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, बीजेपी से इस संविधान को बचाने की, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जेल में जाना भी गंगा स्नान से कम नहीं है। मुझे भी अवसर मिला सतपाल जी दो बार, मुझे भी अवसर मिला किसान आंदोलन में भी, मैं जेल में होके आया, और जो हमारी बेटियों का आंदोलन था उसमें भी एक दिन पकड़ के मेरे को जेल में, उसमें भी दो दो बार मेरा गंगा स्नान कराया। तो बीजेपी चंदा इतना ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा। आप सोचो, अंदाज़ा लगाओ, कोरोना के टीका लगाने वाली कंपनी से भी 450 करोड़ का चंदा लिया कि नहीं लिया, किस और जो जो अपना गौ कशी करती है कंपनी उससे भी 250 करोड़ का चंदा, जैसे सतपाल जी बता रहे हैं गौ कशी वालों से। टीका किसने किसने लगाया था कोरोना का, एक बार हाथ उठा के बताना भाई, टीका किस किसने लगाया था? हैं, मैंने भी लुवाया था भाई, मैं पहले नहीं लुवाऊ था, फिर पापा मम्मी घने पीछे पड़ गए तो माँ भाई लुवाई ले, मैंने भी लुवा दिया। अब ये बताओ, टीका लुवाए पाछे किस किस की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, नहीं बताओ भाई? ये देखो जी, ये देखो भाई, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, और मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, इतना भ्रष्टाचार और ऐसा भ्रष्टाचार, अगर टीके में कोई कमी नहीं थी तो आपने चंदा लिया क्यों? और टीके में कमी थी, टीके में कोई कमी नहीं थी तो आपने चंदा लिया क्यों? और टीके में कमी थी तुम्हारे सवाल लुआया क्यों? ठीक बात है ना, इतना चंदा ले लिया किसकी कोई लिमिट नहीं। तो भाई मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के पास दो दो सरकारें हैं, बीजेपी के पास धन बल है, सत्ता बल है, मीडिया बल है, सरकार का तंत्र बल है, जिसका प्रयोग मेरे 2019 के चुनाव में मुझे संसद में जाने से रोकने से जिस तरह से तंत्र बल का प्रयोग हुआ था वो भी आपको याद होगा। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, हमारे पास, सतपाल जी के पास और हमारे पास इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी मत छोड़ना। आपके आशीर्वाद के आधार पर लड़ रहे हैं हम, आपके ये जनता लड़ रही है हरियाणा में, भाजपा से कोई लड़ रही है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है और बीजेपी का सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल, और दूसरी तरफ जनता का बल। हम आपके आशीर्वाद के आधार पर लड़ रहे हैं, मुझे आप आश्वासन दो भाई, उस आशीर्वाद में कमी तो नहीं छोड़ोगे बिल्कुल भी। तो मैं आश्वस्त होकर यहाँ से जाऊँ कि भाई सफीदो हल्का, देखो भाई मैं तो 9 के 9 हल्के जो है सोनीपत के, मैं तो इस कंपटीशन का मैं पढ़ता नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ जो बात की गई कि भाई जिस हल्के से सतपाल जी हैं सभी हल्कों से लीड आए, मगर यहाँ से 21 लीड आए तो सुथरी बात है। तो भाई सफीदो हल्का सबसे आगे रहेगा, तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ सफीदो हल्का सबसे आगे रहेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सबको और सतपाल जी को एक बार फिर अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जीत की बहुत बहुत एडवांस में मुबारकबाद। भाई एक और बात बता कहने ही रहेगी, सतपाल जी के बारे में एक और चीज फेमस है, इन्होंने अपने जीवन में कोई हरियाणा का चला गया, हरिद्वार कोई चला गया, किसी को मना नहीं किया, किसी भी बिरादरी का कोई भी चला गया, किसी बिरादरी धर्म का चला गया हरिद्वार, सतपाल जी ने किसी को मना नहीं किया। अब किसी आपका भी ये फर्ज है, कोई भी सतपाल जी को मना मत करना, ये आपका भी फर्ज है।